मेरा नाम है अर्पित और आज मैं आपको बताने वाला हूँ न्यू जनरेशन न्यू शेप की रेनॉल्ट डस्टर हुई है। ये अपनी पुरानी खड़ी है, तो बताएंगे आज की नए मॉडल में क्या क्या फीचर आ रहा है, क्या क्या चीज़ें नई ऐड हुई है या वैसे ही है डस्टर अभी तक। ये जो मॉडल है ये पेट्रोल में है और टर्बो मॉडल है। बाहर से कुछ इस प्रकार की इसकी डिज़ाइन, यहाँ पर आप प्रोजेक्टर लाइट मिलते हैं, पहले हेलोजन ही थे और ये इंडिकेटर वगैरह है। यहाँ पर ये नया टर्बो की जो अपने लुक्स को इन्हेंस करता है उसके लिए अलॉय व्हील्स सेम ही है, 16 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं इसमें। साइड से कुछ इस प्रकार से गाड़ी, और जो गाड़ी की है पीछे की लुक्स ये देखिए, इस प्रकार से इंडिकेटर मिलता है, बहुत ही अच्छा लगता है, एग्रेसिव लुक लगता है गाड़ी की। ये टर्बो की वेजिंग और ये डस्टर बूट स्पेस, जो इसमें 450 लीटर का बूट स्पेस मिलता है जो पहले मिलता था। अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ, और इंटीरियर पहले जैसा ही है इसमें अभी तक। अंदर घुसते ही इंटीरियर में वो पहले जैसा ही मिलता है इसमें। इस साइड का जो है अपने किलोमीटर वगैरह बताता है, ये डिजिटल का है इसमें सिस्टम, और यहाँ पे सब आपको डिजिटली मिलता है। ये टच थोड़ा स्मूथ है, कभी कभी थोड़ा थोड़ा लैग भी करता है ये, और ऐसे इवेंट्स बीच में अलग मिलता है। और ये जो मॉडल है ये मैनुअल वाला है पेट्रोल का, इसमें भी 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन का मिलता है आपको ऑप्शन। और ये जो है 5 सीटर कार है, एसी आपको सामने मिलेगा पीछे नहीं मिलेगा। इसमें अब आपको ट्विटर का भी ऑप्शन मिलता है, इसमें मिलता है आपको 2 SRS एयरबैग, स्टीयरिंग माउंटेन कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल भी मिलता है इसमें आपको, मैनुअल एसी वेंट्स। यही थी न्यू डस्टर की डिटेल, थैंक यू।